नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। मेरा नाम है आलोक टंडन और हम सीख रहे हैं फोटोशॉप। अभी तक हम सीख रहे हैं फोटोशॉप में इन टूल्स के बारे में, जिसमें हमने सीख लिया है कि मूव टूल किस तरीके से काम करता है, मार्को टूल, लासो टूल, कंटेंट अवेयर टूल, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल और क्रॉप टूल किस तरीके से काम करता है, ये हमने सीख लिया है। इसके साथ हमने फ्रेम टूल और आई ड्रॉपर टूल को भी सीख लिया है। हाँ तो गाइस, अब सीखने वाले हैं हम कंटेंट अवेयर मूव टूल के बारे में। इसका शॉर्टकट होता है जे। अगर आप शिफ्ट के साथ जे प्रेस करते हैं तो आप इसमें इंटरचेंज कर सकते हैं। ये फोटोशॉप का भी नया टूल है। न्यू वर्जन के फोटोशॉप में ही ये कंटेंट अवेयर मूव टूल ऑप्शन आपको अवेलेबल मिलेगा, बाकी फोटोशॉप में ये नहीं मिलने वाला है। आइए देखते हैं इसका हम यूज किस किस तरीके से कर सकते हैं। जिसका यूज हम अपने इमेज के किसी पार्ट को किसी और जगह पर मूव करवाने के लिए यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आइए देखते हैं किस तरीके से करना है। जैसे कि इस इमेज में देखेंगे कि ये वाला जो एरो है, यहाँ से हमें रिमूव करना है और रिमूव करके हमें कहीं और लेकर जाना है। जैसे कि मैं अगर यहाँ शिफ्ट करवाना चाहता हूँ या मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा सा बड़ा करना या छोटा करना, तो इस तरह का काम करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। पहले इसी इमेज पर देख लेते हैं, फिर एग्जाम्पल के लिए किसी और इमेज को भी सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं इसका एक सिलेक्शन बनाता हूँ, इस तरीके से आप रफली सिलेक्शन बना सकते हैं। और सिलेक्शन बनाने के बाद यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करके रख सकते हैं। इससे क्या होगा हम देखने वाले हैं। तो हम इसको अगर यहाँ पे मूव करके यहाँ लाना चाहते हैं और यहाँ पे जब हम इसको बड़ा करना चाहते हैं तो इसके लिए हमारा यूज होता है ये क्या ऑप्शन था, ट्रांसफॉर्म ऑन ड्रॉप। हम यहाँ से इसको ड्रैग करके यहाँ पर लेकर आए हैं और यहाँ पर जब हम इसको छोड़ देंगे और इसको बड़ा करेंगे तो इस तरीके से हम बड़ा कर सकते हैं। बड़ा करने के बाद हम इंटर प्रेस करेंगे और इंटर प्रेस करते ही इस जगह होकर यहाँ पर आ जाएगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये प्रॉपर तरीके से रिमूव नहीं हुआ है। तो इसको हम अगर कहीं और करना चाहते हैं, अगर हम यहाँ चाहते हैं, तब देखते हैं कि ये प्रॉपर तरीके से काम करता है या नहीं करता। हम इसको यहाँ से मूव करवा के और यहाँ पर लेकर आते हैं। इस जगह पर हम इसको रोटेट करके और छोटा कर देते हैं। यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे और अब देखते हैं कि ये प्रॉपर है या नहीं करता, इस जगह से प्रॉपर रिमूव होता है या नहीं होता और यहाँ पर कैसा फिक्स करता है इसको। ये देखिए हमारा काम नहीं कर रहा है। ये काम इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पास हमारा एक्सटेंड लगा हुआ है, तो हमें एक्सटेंड नहीं करना है इसको, हमें इसको मूव करवाना है। तो इस तरह से हम इसको लाकर और अब हम जब रखेंगे तो मूव करेगा। यहाँ पे एक्सटेंड था इसलिए हमारा यहाँ पास भी प्रॉपर काम नहीं किया था। अब देखिए अगर मैं इसको रखूँगा यहाँ, अब अगर यहाँ से मैं लाकर यहाँ रखा तो यहाँ पे मिक्स कर दिया है इसको प्रॉपरली और यहाँ से रिमूव कर दिया है। अगर आपको प्रॉपर मिक्स नहीं होता है तो आप इसकी वैल्यू बढ़ा सकते हैं और ये प्रॉपर मिक्स होके रहेगा। और अगर मूव की जगह एक्सटेंड करेंगे तो इस तरीके से आप यहाँ भी रख सकते हैं और इसको बड़ा करके यहाँ भी रख सकते हैं। इसके बाद हम दूसरे इमेज पर जा गए हैं। यहाँ पास हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक बर्ड है जिसको हम एक सिलेक्शन बनाते हैं। सिलेक्शन बनाने के बाद मैं चाहता हूँ कि ये बर्ड थोड़ा सा आगे यहाँ पास आ जाए। इसके लिए हम मूव पर क्लिक करेंगे और इसको हम चाहते हैं कि एक लेयर में ये कन्वर्ट हो, हमें इसी लेयर पर नहीं चाहिए। हम यहाँ पे एक न्यू लेयर बना लेंगे। सिंपल आल लेयर पर आप क्लिक करके रख सकते हैं और इसको जब मूव करवाएंगे तो इस तरीके से हम यहाँ पास ले आते हैं, थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं और इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं इस तरह से। और ये वाला एरिया हमारा प्रॉपर फिल हो जाएगा, हमारा इमेज फिल हो जाएगा और ये मूव होकर ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये देख सकते हैं इस जगह को इसने फिल कर दिया है और इसको मूव करके ऊपर की तरफ ले आया है। इसको हम लेयर में देखेंगे तो कुछ इस प्रकार है, देख सकते हैं। इसको अगर मैं मूव करवाऊँगा तो इस प्रकार से एक सिलेक्शन में आता है और इसको फिल कर देता है। इसके और भी ऑप्शंस हैं, इसको मैं मर्ज कर देता हूँ, एक और न्यू लेयर लेता हूँ और जैसे कि यहाँ पे एक्सटेंड पर क्लिक कर दूंगा और एक्सटेंड पर क्लिक करने के बाद इसको मैं एक और यहाँ पर लेकर आता हूँ इस जगह पर। इसको छोटा कर दिया मैंने ये, इसके बाद एक और लूंगा और मैं इसको आगे की तरफ लेकर जाऊंगा
यहां पास इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया मैंने। इसके बाद और आगे लेकर गया और इसको और बड़ा कर दिया मैंने इस प्रकार से। तो आप इस टूल का यूज इस प्रकार भी कर सकते हैं। अगर आपका यहाँ पे कलर मिक्स प्रॉपर नहीं हो रहा है तो आप इसकी वैल्यू ये सब बढ़ा के और देख सकते हैं। इसको जब आप बढ़ा देंगे तो प्रॉपरली काम करेगा, ये कलर भी मिक्स करेगा प्रॉपर तरीके से। और इसको इन जगह से आप जब मूव करवाएंगे तो उसको भी ये प्रॉपर तरीके से मिक्स करके रखेगा, यानी कि फेदर देके और मिक्स कर देता है। तो इस प्रकार से ये काम करता है। जो एक्सटेंड है इसका यूज हम किसी और तरीके से भी करते हैं, उसके बारे में भी आइए देख लेते हैं कि हम किस प्रकार से करते हैं। इसके लिए मैंने एक दूसरा इमेज सेलेक्ट कर लिया है और इस इमेज पर हमारे पास दो पेड़ हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो इधर वाला पेड़ है इसका जो ये वाला पार्ट है ये बड़ा करना चाहता हूँ। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरीके से अपने इमेज को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसको हम प्रॉपर इस तरीके से मिक्स कर देंगे। और ये करने के बाद इसको मैं ऊपर की तरफ शिफ्ट करना चाहता हूँ और इंटर प्रेस करूँगा, ये वाला पार्ट है ये ऊपर की तरफ एक्सटेंड हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं, जैसे कि ऐसे था पहले छोटा था, इसको हमने बड़ा कर दिया है। और देखिए कहीं से भी इसमें पता नहीं चल पा रहा है ये कितना बड़ा हुआ है। तो आप इसका यूज इस प्रकार भी कर सकते हैं। ये कंटेंट अवेयर की हेल्प से प्रॉपर तरीके से मिक्स भी कर दिया है इसको। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप टेलीग्राम पर आ सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं, दोनों में से आप कोई भी ऑप्शन कर सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम पर आते हैं तो वहाँ पे आप मुझसे चैट भी कर सकते हैं।